कार स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर तो साथियों कल यूपी ट्रिपल एस की सारी डेटों का अनाउंसमेंट हो चुका है और इसमें सबसे बड़ी जो भर्ती है राजस्व लेखपाल की उसकी भी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है तो आपको मालूम है कब होगी 19 जून को ये परीक्षा होने वाली है दूसरा अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में ये है कि जो हमने पेट परीक्षा दी थी पिछली वर्ष उस परीक्षा का क्या हुआ उस परीक्षा में आ, कितने स्कोर वाले इस परीक्षा में बैठ पाएंगे और कितना स्कोर होना चाहिए तुम्हारा लेखपाल में जब हम एक सीट ले पाएंगे तो सारी चर्चा करेंगे सबसे पहले तुम्हारे पैड स्कोर की बात करते हैं पैड में, आप में, तो में आपका कितना स्कोर होगा तब आप परीक्षा में बैठ पाओगे तो साथियों पैट परीक्षा में आपका कितना स्कोर होना चाहिए पैट में जो आपने पेपर दिया होगा कि जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता में सारे के सारे जो जितने की जीरो नंबर है उसको भी ले लिया गया था क्या इसी लेखपाल परीक्षा में भी ये सब होगा कि जो पैट में जिसका जीरो नंबर उसको भी ले लिया जाएगा साथियों ऐसा लगता तो नहीं है इसमें ऐसा नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक तो उम्मीद रखनी चाहिए कि जो कितने बच्चों ने लगभग तेरह लाख अस्सी हज़ार बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं लेखपाल परीक्षा के लिए तो यू आर की जो कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से वो साठ से लेकर पैंसठ हो सकती है इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मार्क्स की नहीं जिसका परसेंटाइल साठ से लेकर पैंसठ है वो उस परीक्षा के अंदर बैठेगा अब जैसे ओ की बात करें ओ में अगर पचपन से लेकर साठ के बीच में है आपका कितना पचपन से लेकर साठ के बीच में तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं लेखपाल वाली में तो तीसरा जो एस है एस के जो कट ऑफ है जो पचास से लेकर कितना पचास से लेकर अगर पचपन के बीच में है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं और एस को भी पाँच नंबर घटा लो ऐसे कर लेते हैं पैंतालीस से लेकर पचास तक तो आपको समझ गए होंगे जो तुम्हारी पेट परीक्षा है उसमें अगर आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं तो परसेंटाइल बन रहा है तो आप लेखपाल की परीक्षा अवश्य दे पाएंगे ठीक है तो यूआर के लिए साठ से लेकर पैंसठ तक मैं एक कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको साठ से लेकर पैंसठ तक कौन सा होगा लेखपाल ओ बी सी पचपन से लेकर कर साठ तक और एस सी पचास से लेकर कर पचपन तक और एस टी पैंतालीस से लेकर पचास तक ये मेरा कट कट ऑफ का अंदाज़ है कि ये पेट में दो चार दिन में आपकी कट ऑफ लगेगी तो इतना वाले अंदर रहेंगे और इससे बाहर वाले बाहर हो जाएंगे ठीक है तो ये पहली बात हो गई अब देखते हैं कि लेखपाल परीक्षा में आपका कितना स्कोर हो जिससे आप एक सीट ले पाओ साथियों जो लेखपाल की परीक्षा है वो सौ मार्क्स की होने वाली है आपको माले में तो सब में कितने कितने मार्क्स का रहेगा पच्चीस मार्क्स पच्चीस मार्क्स और पच्चीस मार्क्स और लास्ट में भी पच्चीस मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको माले में एक तो जी है एक हिंदी है एक गणित है एक ग्रामीण प्रवेश है आपको बेस्ट स्कोर कितना रखना है जिससे आप लेखपाल की परीक्षा में एक सीट लेखपाल आप बन सकें तो ठीक है तो देखो मेरे हिसाब से जी का स्कोर किसी का भी अच्छा नहीं रहता है ये बात मान के चलो तो जी में मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्कोर रहेगा वो आप अठारह से अगर बीस स्कोर कर लेंगे 18 से अगर 20 नंबर आप ले आएंगे इसमें जीएस में तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा इससे ज़्यादा नंबर किसी के आते भी नहीं हैं ठीक है दूसरा देखो हिंदी में हिंदी इसमें बाकी थोड़ा लो लेवल की आती है इससे मैं मान के चलता हूँ कि आप हिंदी में बाईस से लेके 23 तेईस नंबर तक स्कोर कर सकते हैं बेस्ट स्कोर है ये ठीक है अब गणित की बात करें गणित जिसका बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा कर सकता है जो गणित नहीं जानता तो उसका अच्छा नहीं हो सकता तो गणित में भी ये मान के चलता हूँ बाईस से लेकर तेईस ये स्कोर बहुत ही बेस्ट स्कोर माना जाएगा और जो ग्रामीण प्रवेश है वो जी के ही तरह काम करेगा और ग्रामीण प्रवेश में भी आप मान के चलिए 18 से लेकर आपका बीस स्कोर आएगा तो आपका स्कोर बहुत ही बेस्ट माना जाएगा ठीक है तो ये स्कोर आप जोड़ के भी देख लोगे या एक बार तब भी आपका ये मान लो कि बेस्ट स्कोर में अगर आपको सीट लेनी है किस में लेखपाल में तो आपके नंबर जो होने चाहिए वो पिचत्तर से लेकर अस्सी के बीच में होने चाहिए पिचत्तर लोएस्ट और अस्सी हाइस्ट और बैरी करेगा जब पेपर आएगा किस प्रकार का पेपर आ रहा है लेकिन 75 से अस्सी के बीच में आप अपना टारगेट बना के चलिए जिससे आपको एक सीट मिल जाए ठीक है तो जीएस में आपको 18 से 20 नंबर का लगभग टारगेट अगर कर, कर पाते हो तुम तो सबसे बेस्ट रहेगा हिंदी में भी 22 से 23 लो लेवल की हिंदी होती है मैथ लो होता है इतना हाई फाई लेवल का नहीं होता बाईस से लेकर तेईस और ग्रामीण प्रवेश मैंने बताया जी एस ग्रामीण प्रवेश एक जैसे हैं तो अठारह बीस अठारह बीस अगर इसमें स्कोर आ रहा है तो आपका स्कोर बहुत ही बेस्ट माना जाएगा ठीक है तो अब ओवरऑल की बात करें तो पिचहत्तर से लेकर अस्सी अगर आपका स्कोर बन गया तो आप लेखपाल में एलिजिबल हो जाओगे अब इसके लिए करना क्या है आपको देखो आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते दो महीने में आप सारी किताब नहीं चाट सकते इससे आपको स्कोर बन जाएगा आप एक ही काम स्ट्रेटजी अपना सकते हो कि आप और आप केवल एक काम करो आप जो होते हैं मोक टेस्ट वो लगाना शुरू करो वो मोक टेस्ट में जैसे आपका स्कोर साठ आया पचपन आया तो धीरे धीरे करके वो स्कोर बढ़ता रहेगा और दो महीने में जब उन्नीस जून को पेपर होगा आपका तो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे ठीक है साथियों साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो वीडियो को शेयर कर दिया करो साथियों तक और चैनल पर पहली बार अगर वेट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो धन्यवाद साथियों